खबर बुलंदशहर से है, जहां पर अब बैंक खातों में फ्रॉड कर खातों को खाली करने वाले गैंग के 10 नटवर लालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कार के डैशबोर्ड पर दिल्ली पुलिस के दरोगा की हैट और वायरलेस सेट का इस्तेमाल करते थे ये आरोपी। गिरफ्तार नटवर लालों में 15,000 के दो इनामी बदमाश भी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 42 मोबाइल फोन, 33 सिम, 12 चेकबुक और 20 पासबुक और 14 लूज चेक और कार बरामद किए गए। ग्राहकों के फोन हैक कर और चेक का क्लोन बनाकर बैंक अकाउंट से रुपए निकाल लेते थे आरोपी नटवरला। बुलंदशहर साइबर क्राइम पुलिस ने मालागढ़ रोड पर सभी 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना साइबर बुलंदशहर द्वारा एक संगठित साइबर गिरोह जिसके 10 सदस्यों को आज गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण ये था कि एक व्यक्ति जिनका एक बैंक में अकाउंट है, उनके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं चेक के माध्यम से, और वो चेक उनके पास ही था ओरिजिनल, और फिर भी बैंक से वो पैसे निकल गए और इनके पास ना कोई मैसेज आया ना कुछ। और उसके बाद जब इन्होंने एक दिन अपना पासबुक अपडेट कराया तो इनकी जानकारी में आता है कि इनके खाते से लगभग 15 लाख रुपए निकल चुके हैं। इस घटना की जानकारी इनके द्वारा साइबर थाने पर दी गई और तत्क्रम में साइबर थाने की पुलिस इसके विवेचना और अनावरण में लग गई, जिसके क्रम में आज कुल 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनसे पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि ये एक गिरोह के रूप में काम करते हैं, जिसमें हर एक ग्रुप ऑफ पीपल का एक अलग अलग काम रहता है। इसमें कुछ लोग डेटा थेफ्ट में इन्वॉल्व हैं, जो कि बैंक से या अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो भी KYC का डेटा भरा जाता है उसको बेचते हैं। कुछ लोग सर्विस प्रोवाइडर के इन्वॉल्व हैं, जो कि एक व्यक्ति को मृत दिखाते हुए उसके सिम को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे इशू करवा देते हैं, ताकि जब भी OTP आए या बैंक से कोई रिकन्सिलिएशन मैसेज या कॉल आए तो उसमें वो व्यक्ति अपने आप को ओरिजिनल व्यक्ति के रूप में दर्शाते हुए उस कॉल को वेरीफाई कर सके। इसमें कुछ लोग चेक की क्लोनिंग में इन्वॉल्व हैं, जो कि सेम बैंक के सिमिलर चेक्स को लेकर के एक सॉल्यूशन में डुबा करके पहले उससे जो भी प्रिंटेड है उसको हटाते हैं और उसके बाद फिर ओरिजिनल चेक के जो भी डिजिट्स हैं या लेटर्स हैं उनको उसमें पुनः प्रिंट करते हैं, ताकि बैंक में इस क्लोन चेक के बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाए। एक गैंग है जो कि लेयरिंग में इन्वॉल्व रहता है, एक ग्रुप इनमें से, जो कि इस फाइनेंशियल फ्रॉड से हुए हुए पैसों को अलग अलग खातों में तुरंत डिस्ट्रीब्यूट करता है, ताकि उनका मनी ट्रेल बना पाना बहुत कठिन हो जाए, रिकवरी बहुत कठिन हो जाए। और एक ग्रुप है जो कि असेट क्रिएशन, यानी इन पैसों को एक जगह इकट्ठा करके उसको फिर एसेट के रूप में, जैसे कहीं ज़मीन खरीद लेना, कहीं मकान खरीद लेना, इस पे काम करता है। तो कुल मिला करके ये सभी मेंबर्स का 10 लोगों का गैंग अभी पकड़ा गया है। इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो लगभग 83,000 रुपये कैश, 42 मोबाइल फ़ोन्स, क्योंकि ये अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अलग अलग फ़ोन्स का प्रयोग करते हैं, 33 सिम कार्ड, 12 चेकबुक जो विभिन्न बैंक्स के हैं, 20 पासबुक जो विभिन्न बैंक्स के हैं, 14 ऐसे लूज चेक्स जो कि विभिन्न बैंक्स के हैं, एक मारुति सुजुकी गाड़ी जिससे कि ये घटना में घूमते थे घटना करने के लिए, साथ ही इनके पास से जो पुलिस द्वारा कैप पहना जाता है वो ये अपने गाड़ी में आगे रखते थे, ताकि ये ऐसा लोगों को प्रतीत हो कि ये पुलिसकर्मी हैं और इनको कोई चेक ना करे। इनके पास से 2 वायरलेस सेट्स भी बरामद हुए हैं, जिसका कि ये प्रयोग आपस में बातचीत करने के लिए करते थे। अन्य कुछ इनके पास से पेन ड्राइव और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी बरामद हुए हैं, जिनकी हम लोग गहनता से जांच कर रहे हैं। इनमें से 2 अभियुक्त ऐसे हैं जो कि जनपद मुजफ्फरनगर से 15,000 का इन पर इनाम हो चुका है। एक वर्ष 2021 में इन्होंने ऐसा ही एक फ्रॉड करा था और उस घटना में ये वांछित चल रहे थे और इन पर इनाम हो रखा था। उन दोनों की भी इसमें गिरफ्तारी की गई है और ये जितने भी लोग हैं इन सभी ने पूर्व में भी इस तरीके का अपराध करना कबूला है। उन सब के आपराधिक इतिहास की जानकारी हम लोग एकत्रित कर रहे हैं और इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। सर, ये जो गिरोह था कौन कौन से राज्यों में चल रहा था?
देखिए, ये मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ऐसे कई राज्य हैं जिसमें ये ऑपरेशनल थे, और जो चेकबुक मिले हैं, जो पासबुक मिले हैं, उसमें भी विभिन्न राज्यों के लोगों का एड्रेस उसमें लिखा हुआ है। तो इन सब पे बिल्कुल गहनता से हम लोग जांच कर रहे हैं। सर, चेकबुक की अमाउंट अगर देखें तो करोड़ों रुपए का इन्होंने, कुछ जो पासबुक्स इनके पास से बरामद हुए हैं उसमें जो ट्रांजैक्शन है वो करोड़ के डिनोमिनेशन में प्रदर्शित हो रहा है। इसमें हम लोग संबंधित बैंक से और संबंधित लोगों से संपर्क कर रहे हैं। इसमें मजे की बात यह है कि हर व्यक्ति का अपना रोल है। जैसे ये 10 लोग पकड़े गए हैं तो 2 लोग एक काम करते हैं, बाकी 2 लोग तीसरा काम करते हैं, और इनमें आपस में इंटरेक्शन नहीं है। जब इनको पकड़ा गया तो एक तरीके का काम जो लोग कर रहे थे वो दूसरे तरीके के काम करने वाले लोगों को जानते तक नहीं थे। जैसे बताएं, इसमें बहुत से अलग अलग वर्टिकल्स हैं जिस पे ये लोग काम कर रहे थे। एक गुट है जिसका काम है इंफॉर्मेशन थेफ्ट, यानी कि वो बैंकों में और अलग अलग जगह जाकर के प्रयास करते हैं कि वहाँ से कस्टमर के बारे में जितना इंफॉर्मेशन ला पाएँ। आप एक फॉर्म भर देते हैं और वहाँ जमा कर देते हैं, बट वहाँ पे कोई भी एक आदमी, जैसे इसमें एक व्यक्ति जो पकड़ा गया है वो एक राष्ट्रीय बैंक है, उसमें जनरेटर चलाने का काम करता था, तो उसके पास वहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस था। तो आप अगर कोई फॉर्म भर रहे हैं तो बुलंदशहर से धर्मेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।